क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, प्रकार, स्केल्स। एंड क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उसमें आपको एंगल ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ बीम, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो हमारा है उसके अंदर आपको एक क्यूलेटेड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है हूज साइज इज गिवन, जिसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है। आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ पता है ये अज्यूम करके, एंड देन जस्टिफाई कि जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कितनी भी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नाम ए सभी साधन एनी लाइन, कोई मेजरमेंट नहीं, स्केल उठाइए, इतनी बड़ी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, हो गया। अब कितनी प्रकार ओपन कर ली फ्रॉम ए टू बी, ए पर प्रकार रखिए और उसको बी तक ओपन कीजिए, जो पेंसिल का सिरा है वो बी तक जाना चाहिए, हो गया। अब जितनी प्रकार आपने ओपन की उसको ए पर रखिए और वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पूरी ड्रॉ नहीं करनी आपको, सिर्फ यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी। एक आ हो गया। नेक्स्ट, अब उतनी प्रकार ओपन रखेंगे, बी पर रखेंगे और फिर एक आर्क लगा देंगे, वो पहले वाली आर्क को कहीं कट कर देंगे, हो गए कट, वहां पर लिख दीजिए सी। अब स्केल की हेल्प से सी को ए से ज्वाइन कीजिए और सी को बी से ज्वाइन कीजिए। ये जो आपकी ट्रायंगल बनी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हो गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन है यू हैव टू ड्रॉ ए ट्रायंगल, an equilateral triangle in which you have given a line segment, आपको एक line पता है, आपको एक line की length पता है, तो step number first AB is a given line segment, हमने assume किया कि जो हमें given line पता है इस चीज की length पता है वो AB, ठीक है। With A as center, A को center माना, radius is equal to AB, radius कितनी ली A से B तक, आपने अपनी प्रकार ओपन की, mark an arc, आपने कार दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सिमिलरली विथ बी एज सेंटर, और अभी भी रेडियस कितनी आपकी ए बी के इक्वल, मार्क अनदर आर, which cuts the radius R at C, जो पहले वाली आर्क को कहां पर कट कर देती है, कौन से पॉइंट पर, C पर। After that क्या किया गया, join AC and then BC, दोनों को join किया। फिफ्थ पॉइंट,
Thus, we construct an equilateral triangle ABC. अब प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूफ करने के दो तरीके हैं। या तो मैं कैसे प्रूफ कर दूं ये तीनों लाइन इक्वल है, या मैं प्रूफ कर दूं तीनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। अगर मैं इनमें से एक भी बात प्रूफ कर देता हूं तो ये बात जस्टिफाई हो जाएगी कि ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक एबी लाइन है, आपने इस जितनी प्रकार ओपन की और एक आर्क, ये लाइन भी तो इतनी बड़ी होगी जितनी एबी है, उतनी बड़ी कौन है, एसी। एबी इज इक्वल टू एसी बाय कंस्ट्रक्शन। जब हमने अपनी कंपास को कम या ज्यादा किया ही नहीं, एबी जितनी ओपन करके आर्क लगाई है, तो एबी और एसी आपस में क्या हो गई, इक्वल। ऐसे ही आपने AB के इक्वल कौन सी लाइन ड्रॉ की थी, AB इज इक्वल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। अब इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर किया जाए, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AB इज इक्वल टू AC is equal to BC. Hence, ABC is an equilateral triangle. So, problem?